हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? ये मैंने समोसा पट्टी लेकर आई हूँ, इससे ज़रूर ट्राई कीजिए। समोसा एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनता है। और जिसने जो नया होगा वो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मैंने 2 कप मैदा ले ली हूँ, इसे छान कर लेना है। अब मैं इसमें नमक अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए और 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हल्के हाथों से। और तब तक के मिक्स करना है, ये देखिए अभी मैं बताऊंगी आपको। ये ऐसे मुट्ठी बांध देते, ऐसे जमना चाहिए मैदा। ये देखिए ऐसे जमना चाहिए। ऑयल कम पड़ा तो आप थोड़ा और डाल सकते हो। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मिक्स करते जाएंगे और इसका एक डो बना देंगे। और जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं वैसे नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा कड़क बनाएंगे, एकदम सॉफ्ट नहीं बनाना है हमें। ये देखिए मेरा डो कैसे है, देखो कितना कड़क है। ऐसे ही डो बनाएंगे, ज़्यादा मालिश नहीं करेंगे। इसके ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। ये देखिए मेरा आधा घंटा हो चुका है, मैं इसे देख लेती हूँ तो ऐसे मालिश कर लूँगी थोड़ा सा। देखिए अभी एकदम सॉफ्ट हो चुका है, अब मैं इसे लोई बना लूँ। देखिए ऐसे पेड़े बना लेना है, सेम सब बना लेंगे हम लोग। देखिए मेरे पेड़े बन चुके हैं, अब मैं एक ले लूँगी और थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसे बेल लूँगी। नॉर्मल साइज का बेल चुकी हूँ मैं, अब इस पे ऑयल डाल देंगे और अच्छे से ऑयल लगाना है, कंजूसी नहीं करना। अब मैदा लूँगी, मैदे की प्लेट ले लूँगी और उसके ऊपर पलटी मारकर ऐसे रख देना है। अब इसे हाथ नहीं लगाना, ऐसे ही छोड़ देना इसे। अब मैं दूसरी लोई ले लूँगी, ऐसे भी बेल लूँगी। ये देखिए मेरी दूसरे पेड़ा भी बेल कर हो चुका है। और मैंने जो फर्स्ट लिया था उसको ऐसे ही आटा वाला नीचे डालना है, पलटी मारना है उसके ऊपर और थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस करना है ऐसे, और इसे हल्के हाथों से बेलना है और एकदम पतला बेलना है ऐसे। मैं बताऊंगी आपको। ये देखिए मेरी इतनी बड़ी पूरी हो चुकी है, इतनी बड़ी बेल चुकी हूँ मैं। ये देखो कितना थिकनेस रखना है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मेरी थिकनेस इतना पतला है मेरा। अब मैं एक तवा ले लूँगी, फ्राई पैन, उसके ऊपर डाल दूँगी और हल्का सेक लूँगी। ज़्यादा नहीं सेकना है, जैसे हम लोग रोटी सेकते हैं वैसे नहीं सेकना, हल्का सा सेकना है बबल्स आने तक के। ये देखिए मेरे हल्के हल्के बबल्स आने चालू हो गए। देखिए इतना हल्का हल्का बबल्स आया क्या, उसे पलटी मार देंगे हम लोग। मैंने पलट दी हो तो देखो ये अब इसे खुलना चालू हो गया। सेकंड साइड से भी थोड़ा सा सेक लेंगे और ये निकल रहा है तो अभी निकाल लेंगे हम लोग। देखिए कितना आराम से निकल चुका है। देखिए अब मैं निकाल लूँगी और बाकी की भी ऐसे ही बना लूँगी। ये देखिए मेरा कितनी अच्छी एकदम नरम और सॉफ्ट बनकर रेडी है, ऐसे ही हम बाकी के भी बना लेंगे। ये देखिए मेरे सब बन चुके हैं। ये देखिए अब इसे कैसे कटिंग करना है मैं बताती हूँ। इस एक के ऊपर एक सेट कर लेंगे और दोनों साइड से कट कर लेंगे हम लोग, इसके कॉर्नर निकाल लेंगे।
अब ये साइड से भी कॉर्नर निकाल लूँगी मैं। ये देखिए ये साइज भी चारों साइड से मैंने कॉर्नर निकाली हूँ। एक्स्ट्रा जो बच गया है, ये कतरन बची है, इसे फेंकना नहीं है, वेस्टेज नहीं है। हम लोग पैटीज बनाए या तो फिर रगड़ा बनाए उसके ऊपर डाल दे, चाट बनाए उसके ऊपर फ्राई करके डाल दे, बहुत क्रिस्पी और अच्छी चाट बनती है, तो इसमें काम आ जाएगा ये। अब मैं 3 मार्क लगा लूँगी और इसे पतला पतला स्लाइसेस काट लूँगी, 3 पार्ट्स कर लूँगी इसके मैं। ये देखो मैंने ऐसे काट ली हूँ। ये देखिए कि मेरा कितना परफेक्ट एकदम इक्वली समोसा पट्टी बनकर रेडी है। ये देखिए आप ज़रूर से ट्राई कीजिए और इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं फ्रिज में, ऊपर आइस में फ्रिज में स्टोर करके रखना, इसमें इसे प्लास्टिक में रैप करके ऊपर आइस में रख देना, और ये 1 हफ्ते तक के ऐसे ही चलेगा। अब आपको जब भी समोसा बनाना रहे तो निकाल लो, समोसा बना लो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर प्लीज़ कॉमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।